हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ, विषय हिंदी। हिंदी में बेटा व्याकरण। ओके, रीडर आपकी कंप्लीट हो गई है। रीडर की दोनों बुक्स आपकी कंप्लीट हो गई हैं। आपका सिलेबस रीडर में कंप्लीट है। व्याकरण में आपके सिर्फ रस बचा था और विज्ञापन। ठीक है, तो आज मैं रस आपको समझा रही हूँ। रस क्या है, रस किसे कहते हैं? बेटा देखिए, काव्य में कविता, नाटक आदि के पढ़ने या सुनने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की आत्मा कहा है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा गया है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। जैसे हमारी आत्मा के बिना हमारा शरीर निर्जीव होता है। ठीक है, निर्जीव और निष्क्रिय है, वो कोई भी कार्य नहीं कर सकता। उसी प्रकार रस के बिना भी काव्य प्रभावहीन है और निर्जीव है। ठीक है, आचार्य विश्वनाथ ने इसी कारण काव्य की परिभाषा काव्य रसात्मक वाक्यम दी है। ठीक है, रस का अनुभव काव्य के सर्वप्रथम आचार्य महामुनि ने रस के प्रकट होने की प्रक्रिया इस प्रकार बताई है कि रस किस तरह से उत्पन्न होते हैं, रस के प्रकट होने की प्रक्रिया क्या है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रस की संख्या 10 मानी गई है। अब बेटा यहाँ तक आपको समझ आया रस क्या है? जैसे आप लोग कोई भी मूवी सीरियल वगैरह देखते हो तो आप लोग बोलते हो ना, अच्छा लगा। ये अच्छा लगना ही क्या है? रस आना। ठीक है, रस क्या है? किसी भी काव्य नाटक, किसी भी काव्य में नाटक, कविता, उपन्यास आदि को पढ़ने के उपरांत जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। ठीक है, और रस की निष्पत्ति किससे होती है? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, रस कितने हैं? रस 10 माने गए हैं। ठीक है, अब रस के चार अंग। ठीक है, रस के कितने अंग बताए? चार। कौन कौन से? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, रस के चार अंग हैं। कौन कौन से? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। ठीक है, अब नंबर 1 आता है, स्थायी भाव क्या है? स्थायी भाव किसे कहते हैं? देखिए, मनोवैज्ञानिक एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार होते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव रहते हैं। ठीक है, क्या कहा गया? मनोवैज्ञानिक एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव के मन में स्थायी रूप से निवास करने वाले कुछ भाव होते हैं। ठीक है, जब इनमें से किसी एक के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य के मन पर पूर्णता छा जाते हैं। उस समय हम कह सकते हैं कि अमुक मनुष्य क्रोध में है, अथवा करुणा से पूर्ण है, अथवा घृणा से भरा हुआ है। देखिए बेटा, प्रत्येक व्यक्ति की स्थायी भाव क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थायी भाव जो है वो सुप्तावस्था में रहते हैं, सोई हुई अवस्था में रहते हैं। समय तथा परिस्थिति के अनुसार ही ये तुरंत जागृत होते हैं। जैसे अब पूरी क्लास शांतिपूर्वक पढ़ रही है, कल्पना कीजिए आप। ठीक है, और अचानक से कोई बच्चा पढ़ते पढ़ते कोई ऐसी शरारत करता है कि तुरंत टीचर को क्रोध आता है, तो टीचर के चेहरे पे पढ़ाते पढ़ाते जो क्रोध का भाव जागृत होगा वो क्या है? स्थायी भाव। हृदय में पहले से था लेकिन समय और परिस्थिति के अनुसार ही वो जागृत हुआ। ठीक है, अचानक से हंसी मजाक का माहौल चल रहा है और इतने में किसी ने कोई दुखद आके बात बता दी तो सबके चेहरे एकदम दुखी हो जाएंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में वो दुख का भाव भी
है तो ये भाव क्या कहलाते हैं? स्थाई भाव। ये प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं, समय तथा परिस्थिति के अनुसार ही ये भाव जागृत होते हैं, चाहे वो क्रोध का है, चाहे वो करुणा का है, ठीक है, चाहे वो घृणा का है, ठीक है। तो स्थाई भाव समझ आया। पहले तो आप मुझे ये बताइए, आपको रस समझ आया? रस क्या है? काव्य में नाटक, उपन्यास, कविता आदि को पढ़ने के उपरांत जो आनंद की अनुभूति होती है उसे क्या कहते हैं? रस। रस के कितने अंग हैं? चार। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के कितने अंग बताए? चार। कौन कौन से? विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, ठीक है। अबे स्थाई भाव क्या है? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, मनोवैज्ञानिक एवं काव्य शास्त्रियों ने मानव मन में स्थाई रूप से निवास करने वाले कुछ भाव या विकार माने जाते हैं। जब इनमें किसी एक के अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वह मनुष्य के मन में पूर्णता छा जाते हैं, तो उसे हम स्थाई भाव कहते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थाई भाव सुप्तावस्था में रहते हैं, ठीक है। परिस्थिति, समय तथा परिस्थिति के अनुसार ये स्वतः ही जागृत हो जाते हैं, ठीक है। अब स्थाई भावों का काव्य के आचार्यों ने स्थाई भाव नौ बताए हैं। नौ स्थाई भाव कौन कौन से? इन नौ स्थाई भावों को आपको याद करना है। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद, ठीक है। कुछ विद्वान वात्सल्य नामक दसवां स्थाई भाव भी मानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थाई भाव कितने हैं? नौ। लेकिन कुछ मनोवैज्ञानिक, ठीक है, कुछ विद्वान वात्सल्य रस को भी वात्सल्य नामक भी स्थाई भाव मानते हैं, ठीक है। कौन कौन से बताए स्थाई भाव? रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और वात्सल्य। ये क्या है? स्थाई भाव, ठीक है। समझ आ गए स्थाई भाव क्या है? स्थाई भाव सबको क्लियर हो गया? स्थाई भाव प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में सुप्तावस्था में रहते हैं, समय तथा परिस्थिति के अनुसार ही ये स्थाई भाव जागृत होते हैं, ठीक है। स्थाई भावों की संख्या कितनी है? नौ। कौन कौन से? दोबारा से सुनिए। रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद और कुछ विद्वानों ने वात्सल्य को भी स्थाई रस माना है, ठीक है। फिर आता है विभाव। विभाव क्या है? जैसा कि मैंने अभी बताया, रस के चार अंग हैं, स्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अब आता है विभाव क्या है? विभाव किसे कहते हैं, ठीक है। जैसा कि जैसे आपको बताया, अब विभाव क्या है? देखिए बेटा, स्थाई भाव को जगाने वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को विभाव कहते हैं। स्थाई भाव को जगाने वाले व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को विभाव कहते हैं। विभाव के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। स्थाई भाव समझ आ गया आपको? विभाव क्या है? स्थाई भाव को जगाने वाले व्यक्ति, ठीक है, व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति को हम विभाव कहते हैं। जैसे स्थाई भाव किस कारण से जागृत हुआ? जैसे पूरी कक्षा, जैसे मैंने अभी बताया, शांति से पढ़ रही है, ठीक है, और अचानक से किसी कोई बच्चा रूम में आता है और कोई ऐसी बात बोल के जाता है कि सबको हंसी आ जाती है, ठीक है। अब वो हंसी आना, वो तो आपके अंदर स्थाई भाव जागृत हुआ, लेकिन जगाया किसने? वो जो बच्चे ने हंसी की बात की, तो विभाव क्या हुआ? वो बच्चा,
ठीक है, जब कोई व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति, ठीक है, परिस्थिति द्वारा स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति को क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया। रस क्या है, रस के कौन कौन से अंग हैं, स्थायी भाव क्या है, स्थायी भाव कितने हैं, 9, ठीक है, और वात्सल्य को भी स्थायी भाव माना जाता है, और विभाव क्या है, विभाव के कितने प्रकार हैं, 2, विभाव के 2 प्रकार होते हैं, आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। ठीक है, अब आते हैं आलंबन क्या है। ठीक है, स्थायी भाव जागृत करने वाले कारण, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है या परिस्थिति है, स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, चाहे वो कोई व्यक्ति है, वस्तु है या परिस्थिति, उसे हम आलंबन कहते हैं। ठीक है, आलंबन के भी 2 रूप होते हैं। जैसे अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि स्थायी भाव जागृत करने वाले कारण, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या परिस्थिति है, उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ, तो लक्ष्मण क्रोध का क्या हुआ, आलंबन। परशुराम को क्रोध कौन दिलवा रहा है, लक्ष्मण, तो आलंबन क्या हुआ, कौन हुआ, लक्ष्मण। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी बच्चे ने आकर हंसी की बात की, तो हंसाना, उस बच्चे, वो बच्चा हंसा रहा है, वो क्या हुआ, आलंबन। और हमारे अंदर तो स्थायी भाव है, वो जागृत हो गया, हम तुरंत हंसने लगे। फिर आलंबन के भी बेटा 2 रूप है, आश्रय और विषय। ठीक है, आश्रय क्या है और विषय क्या है। आश्रय जिसके मन में स्थायी भाव जागता है वह आश्रय कहा जाता है। जैसे बच्चे ने हंसाया, ठीक है, और हम हंसने लगे, तो हम हंसे, जिसके मन में स्थायी भाव जागता है वो आश्रय, और जिस कारण से जगता है उसे विषय कहते हैं। ठीक है, अब जैसे परशुराम को क्रोध आया, आश्रय, किसने क्रोध दिलाया, लक्ष्मण ने, तो लक्ष्मण क्या हो गया, विषय। यहाँ तक समझ आया बेटा। विभाव के 2 भेद होते हैं, आश्रय, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन किसे कहते हैं, स्थायी भाव जागृत कराने वाले कारण, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है या कोई परिस्थिति है, उसे हम क्या कहेंगे, आलंबन। ठीक है, फिर आलंबन के भी 2 भेद होते हैं, आश्रय और विषय। जैसे लक्ष्मण ने परशुराम को क्रोध दिलवाया, तो लक्ष्मण क्या हुआ, आश्रय, ठीक है, और विषय, सॉरी, और क्रोध जागृत हुआ किसके हृदय में, परशुराम के, तो वो क्या हुआ, आश्रय। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ आया। आज मैं इतना ही कराऊंगी। आज मैंने कितना कराया आपको, रस किसे कहते हैं, ठीक है, कि ठीक है, रस की उत्पत्ति किससे होती है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। रस के 4 अंग, विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव और संचारी भाव। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया विभाव क्या है, विभाव किसे कहते हैं, स्थायी भाव को जगाने वाले व्यक्ति वस्तु या परिस्थिति क्या कहलाते हैं, विभाव। विभाव के भी 2 प्रकार हैं, आलंबन और उद्दीपन। फिर आलंबन के भी 2 प्रकार हैं, आश्रय और विषय। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, जितना पढ़ाया इसे अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना, इससे आगे मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। इतने में कोई भी डाउट हो तो अपने डाउट ज़रूर क्लियर कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।